नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्या आप मानसून में मेकअप के फैलने से परेशान हैं? तो ये टिप्स सिर्फ आपके लिए के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। उमस के मौसम में फाउंडेशन मेल्ट हो जाते हैं और आईलाइनर फैल जाता है, वहीं लिपस्टिक चिपचिपे हो जाते हैं। ऐसे में महिलाओं को मेकअप संबंधी परेशानी होती है। मेकअप विशेषज्ञ पूजा गोयल और कोपल जैन ने उमस भरे मौसम में टिकाऊ मेकअप करने के संबंध में ये सुझाव दिए हैं। अगर आपके चेहरे पर ज्यादा दाग धब्बे और हल्के गड्ढे या दाने हैं, तभी मेकअप प्राइमर लगाएं, क्योंकि ऐसा करना इस मौसम में उपयुक्त होगा। यह त्वचा की सतह को समतल कर देगा और इससे मेकअप ज्यादा देर तक टिका रहेगा। लेकिन जिन्हें ऐसी समस्या नहीं है, उन्हें प्राइमर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उमस के मौसम में पसीने के साथ बहने की संभावना के चलते लिक्विड या क्रीम फाउंडेशन के बजाय ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का हल्का कोट लगाया जा सकता है। टचअप के लिए हल्का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकती हैं। अगर आप दाग धब्बों या काले घरे को छिपाना चाहती हैं, तो ऑयल फ्री कंसीलर लगा सकती हैं, क्योंकि ऑयल युक्त कंसीलर उमस में चेहरे को चिपचिपा और तैलीय बनाता है। हमेशा ऑयल फ्री मेकअप उत्पाद ही चुनें। मानसून के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका ब्लश सौम्य और परिधान को सूट करते हुए होना चाहिए। पाउडर आई शेडो खरीदें, क्योंकि ये क्रीम आई शेडो के मुकाबले ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। हल्का रंग का थोड़ा सा आई शेडो लगाएं। लिक्विड आईलाइनर लगाएं, क्योंकि ये वैक्स वाले पेंसिल आईलाइनर की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होते हैं। बरौनियों पर वाटरप्रूफ मस्कारा लगाएं, यह ज्यादा देर तक टिकेगा। लिप ग्लॉस आसानी से मिट जाते हैं, इसलिए लिप बॉम लगाकर होंठ को मुलायम बनाएं और लिपस्टिक लगाएं। विकल्प के तौर पर आप ज्यादा देर तक टिका रहने वाला शव या ग्लॉस लगा सकती हैं। इस मौसम में होंठ पर शीम लगाना उचित नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डनके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।